ऐसे में इन दिनों अपराधियों का हौसला काफी बुलंद देखने को मिल रहा है। शायद यही कारण है कि अपराधी कभी भी किसी घटना को अंजाम देकर आस्ते से निकल जाते हैं। कुछ ऐसा ही मामला बक्सर नगर थाना क्षेत्र के गोलंबर इलाके में देखा गया। मिली जानकारी के अनुसार सड़क निर्माण कर ठेकेदार स्टाफ के दिन दहाड़े मारपीट कर 1,00,000 रुपए छीनकर भागने वाले अपराधी को यह देख स्थानीय लोगों में हरकत हुई और लोगों ने अपराधी को घेराबंदी जैसे ही किया तो अपराधी खुद को बचाने के चक्कर में अपना मोटरसाइकिल छोड़कर वहां से भाग निकला। पहुंची स्थानीय पुलिस ने जब्त कर वो मोटरसाइकिल को थाने लेकर आई। उस युवक से बातचीत करने के बाद पुलिस को यह पता चला कि उसके अपराधी जो छीनकर उसके पैसे भागे रवि पांडे धनसोई का रहने वाला है, जो किसकी छानबीन करना शुरू कर दिया गया है। जबकि 1,00,000 रुपए छीन के कुल लोग अपराधी में से 2 अपराधी थे, जो कि सदर SDPO सतीश कुमार ने बताया कि इस तरह की मामला आए दिन आ रहे हैं। बाइक बरामद पुलिस ने किया है, उस गाड़ी के नंबर से आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। हम आपको बताते चले कि कुछ ऐसा ही पूर्व नगर थाना क्षेत्र के PP रोड से लूट के दौरान ही कोढ़ा गैंग के सदस्यों द्वारा स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस को एक व्यक्ति को थाने पहुंचाया था। आप भी देखें पूरा मामला क्या है सिटी न्यूज बक्सर के माध्यम से। क्या घटना के साथ घटा हुआ है? मेरा घटना, हम जा रहे थे साइड पर, दो लोग अपाची में आए। एक लोग को हम पहचानते हैं जिसका नाम है रवि पांडे उर्फ राजा पांडे, और दोनों लोग हम छुरा दिखाकर और बेल्ट से मारकर 1,00,000 रुपया लेकर भाग गए। अब कहाँ जा रहे थे? हम जा रहे थे कुपवा अंसारी साइड पर। जो रवि है कहाँ का रहने वाला है? रवि सुमेसारा स्थान का वर्तमान में रह रहा है और उसका गांव है सीतापुर, उसके थाना धनसोई का रहने वाला है। क्या कुछ आपसे विवादित था? कोई भी विवादित नहीं था। कैसे पता चला कि आप पैसा लेकर जा रहे हैं? पहले से पीछे मेरा पड़ा हुआ था, हम जब जा रहे थे जब वो मेरे मोड़ पर बैठ रहा है, यानी कि घात लगा कर देख रहा था। देख रहा था। क्या नाम पड़ेगा अपना? मेरा नाम आलोक कुमार चौबे सोनू चौबे नाम। ये घटना कब घटा हुआ है? घटना करीबन 10 बजे दिन में घटा हुआ। ये कहाँ पे घटना घटा? गोलंबर आपके गोलंबर बाबा नगर। 1,00,000 रुपये के एक व्यक्ति से छिनैती हुआ है। स्थानीय लोगों ने जब खदेड़ना शुरू किया तो जो अपराधी थे वो बाइक छोड़ करके भाग गए हैं। देखिए इस तरह की बात अभी आई है पुलिस में, और मोटरसाइकिल के आधार पे कौन इन्वॉल्व है इस क्राइम में उसका पता चल जाएगा, उसकी गिरफ्तारी।